हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे ग्रुप क्या होता है। ग्रुप को समझाने से पहले मैं एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जिससे कि आप ग्रुप की सभी डेफिनेशन समझ सको। देखिए, एक पर्सन है ए, और ए जो पर्सन है वो एजुकेटेड है। हम ये मान के चलते हैं कि एजुकेटेड पर्सन हम उसी को कहेंगे जो जूनियर हाई स्कूल हो या हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। ऐसा नहीं है कि जो पीएचडी है वो एजुकेटेड नहीं है, वो भी है, लेकिन हम अपनी ग्रुप की डेफिनेशन को आसानी से समझ में आ सके, आसानी से आप याद रख सको, उसके लिए केवल ये 5 पॉइंट लेकर चल रहे हैं। क्लियर? एक पर्सन एजुकेटेड है तो उसको हम पुकार सकते हैं कि वो जूनियर हाई स्कूल हो सकता है। जूनियर हाई स्कूल का मतलब होता है कि 8 पास। क्लियर? तो जब 8 पास है, 8 पास वाली पोजीशन को वो सेटिस्फाई करता है। फिर हम इस एजुकेटेड पर्सन को ये भी कह सकते हैं कि वो हाई स्कूल है। अब हाई स्कूल होने के लिए उसका 10th पास होना जरूरी है। अब जो वो 10th पास होगा तो 8 पास होगा ही होगा। मेरी बात समझ में आई? अर्थात उसके पास ये दो प्रॉपर्टी हुई, 8 पास होना और 10th पास होना, जो एजुकेटेड पर्सन है। ये एजुकेटेड पर्सन को हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो 8 पास भी होना चाहिए, वो 10th पास भी होना चाहिए, और वो 12th पास भी होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे इंटरमीडिएट पास। क्लियर? इस एजुकेटेड पर्सन को अगर हम ये कहते हैं कि वो ग्रेजुएट है तो उसके लिए क्या जरूरी है? वो 8 पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। एंड हम आज ही आगे जो ग्रेजुएशन बोलते हैं उसमें बीएससी कह लीजिए, बीएससी कह लीजिए, बीए कह लीजिए, हैं इंजीनियरिंग कह लीजिए, ये कुछ ऐसे कोर्स होता है, बीबीए कह लीजिए, ठीक है, ये सब ग्रेजुएशन के ही कोर्स माने जाते हैं। तो ये होना जरूरी है। तो मैं केवल यहां पर केवल क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं इसको ये मान लेता हूं कि बीएससी का होना जरूरी है। 8 पास होगा, 10th पास होगा, 12th पास होगा और बीएससी। अगर ये पर्सन ग्रेजुएट है तो वो ग्रेजुएशन लेवल का है। क्लियर? अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन है और उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? वो 8 पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, बीएससी पास होना चाहिए और एमएससी पास होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टी होगी तो उस एजुकेटेड पर्सन को हम क्या कहेंगे? पोस्ट ग्रेजुएट कहेंगे। मेरी बात समझ में आई? अर्थात एक एजुकेटेड पर्सन को जूनियर हाई स्कूल वाला कब कहेंगे? जब वो 10th पास होगा। एक एजुकेटेड पर्सन को हाई स्कूल कब कहेंगे? जब वो 8 और 10th पास होगा। एक एजुकेटेड पर्सन को इंटरमीडिएट कब कहेंगे? जब वो 8, 10th और 12th पास होगा। एजुकेटेड पर्सन को ग्रेजुएट कब कहेंगे? जब वो 10th, 8th, 10th, 12th और बीएससी पास होगा। एजुकेटेड पर्सन को हम पोस्ट ग्रेजुएट कब कहेंगे? जब वो 8th, 10th, 12th, बीएससी और एमएससी पास होगा। सेम प्रोसेस हम ग्रुप की डेफिनेशन को समझाने में करना चाहते हैं। क्लियर? मींस ये एक टाइप से प्रॉपर्टी हुई। अब आप समझिएगा, ये हमने मान लिया पहली प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर? ग्रुप की डेफिनेशन समझाने के लिए, अब हम ग्रुप की डेफिनेशन समझाने के लिए जो हमने पर्सन लिया इसको कंसिडर कर लेते हैं कोई सेट जी की तरह, और जो एजुकेटेड है इसको हम मान लेते हैं स्टार। तो ये दोनों मिला के हमारा बन जाएगा जी स्टार, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, अब हम इस जी को आगे न्यू पेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ग्रुप की डेफिनेशन को लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, हमने एक सेट लिया, कोई सेट है, ये कुछ भी सेट हो सकता है,
इनको हमने नाम लिया ए बी सी। हमने स्टार लिया है एक ऑपरेशन, क्लियर, और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में लिखा जी कोमा स्टार। ये जी कोमा स्टार, इस जी कोमा स्टार को हम ग्रुपोइड कहेंगे। कब कहेंगे? अगर ये नंबर एक फर्स्ट रूल को फॉलो करे, कौन सा, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहेंगे। ये सिस्टम सेमी ग्रुप कहलाएगा। कब? जब ये पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, सेकंड वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो, राइट। ये दो प्रॉपर्टी अगर है तो सेमी ग्रुप बनता है। मेरी बात आई समझ में? जैसे कि मैंने किसी पर्सन को हाई स्कूल कहा तो उसके लिए दो प्रॉपर्टी होनी कौन सी जरूरी है, वो एट पास भी हो, टेंथ पास भी हो। अगर इस पर्सन को मैंने इंटरमीडिएट कहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो एट पास भी होना चाहिए, टेंथ पास भी होना चाहिए, ट्वेल्थ पास भी होना चाहिए। इसी प्रकार से ये सिस्टम जी स्टार सेमी ग्रुप होगा। कब? जब वो क्लोजर होगा और एसोसिएटिव होगा, क्लियर। तो ये सिस्टम जी स्टार, क्लियर, इसको हम मोनोइड के नाम से पुकारेंगे। कब? जब वो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ लेना है आपको। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा, जिसकी बात हमें करनी है ग्रुप। ये अगर हमारी चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तीनों ये अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी को भी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी, थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी, फोर्थ इनवर्स प्रॉपर्टी को भी, क्लियर। ये इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहते हैं। अब अबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? कब? जब इसमें एक प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाए, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, समझ में आया, थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, फोर्थ इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, और फिफ्थ कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो। अगर कोमुटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप कहेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आई होगी। तो हमें ग्रुप के बारे में बात करनी थी, तो ग्रुप के लिए अगर मैं इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहूंगा तो कब कहूंगा, जब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब मैं देता हूं आपको ग्रुप की डेफिनेशन, जो हमारे लिए एग्जाम में जरूरी होती है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ जी सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थ्री आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फोर इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नए लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके। अब हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
सब्सक्राइब जरूर करें।